अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? आप लोगों को हम खुश आमदीद कहते हैं अपने YouTube चैनल पे। तो आज जो हमने स्टार्ट लिया है वो बांग्लादेश के ही हम लोग इंडिपेंडेंस डे के वीडियो से एक स्टार्ट लिया है। तो जैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हमारी 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान में, जैसे हम पाकिस्तान में अपने इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे ही बांग्लादेश में भी सेलिब्रेट किया जाता है, बाकी कंट्रीज में भी किया जाता है। लेकिन आज आप देखेंगे कि बांग्लादेश में कैसे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो लेट्स डू इट, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो से। आप लोगों ने हमें कमेंट्स में जरूर बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी हमारी वीडियो और हम लोग किन वीडियोज भी रिएक्ट करें। तो इससे हमारा जो है वो हौसला अफजाई होगी, बाकी आपके लाइक से हमें कोई इतना बेनिफिट नहीं होगा, हौसला अफजाई होगी, हमें हमारा शौक पैदा होगा, आपको आने वाले टाइम में हमसे अच्छी से अच्छी वीडियो जो है ना वो मिलेगी। लेट्स डू इट। अच्छा, आई थिंक ये कोई मस्जिद है जी, बहुत कलरफुल लाइट्स की जी, बहुत प्यारी डेकोरेशन है और ऐसे लगता है जैसे यूएसए है। ठीक है, बिल्कुल आप देखें, कलरिंग देखें, उसके बाद इतना खूबसूरत है साथ साथ। We don't know ये सिटी कौन सी है, आप लोगों की आप लोगों के कमेंट्स में हम लोगों को जरूर बताने के लिए कौन सी सिटी है आप लोगों की। ये सीक्रेट है, ये आप हमें बताएंगे कमेंट्स में। ये चेक करो कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत बहुत डिफरेंट, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन लाइट हो रही है। आप यकीन माने कि एक दफा दिल करता है कि बंदा इस जगह पर जा मन होता वाकई बिल्कुल। ट्रैफिक गाड़ियों को भी देखें, गाड़ियों भी लोगों ने जो है वो सजाई हुई है माशाल्लाह। हम पाकिस्तानी हैं ठीक है, लेकिन बांग्लादेश की ये हम जो आपको दिखा रहे हैं, जिस पे हम आपके साथ रिएक्शन कर रहे हैं जिस वीडियो पे, तो वो एक बांग्लादेशी है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे पूरे पाकिस्तान में त्यौहार मनाए जाते हैं, इसी तरह हर कंट्रीज में मनाए जाते हैं। तो आज जो आप देख रहे हैं ये बांग्लादेशी अपना एक त्यौहार है उनका, एक 14 अगस्त जैसे हमारी होती है पाकिस्तानियों की होती है, ऐसे उनका एक त्यौहार है। देखें आप इसको, हम भी आपकी खुशी में और इंडिपेंडेंस में शामिल हैं जी, बिल्कुल। और दूसरी बात कि बांग्लादेश में भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं ठीक है, और सबसे बड़ी बात मुस्लिम, ठीक है, हम मुस्लिम हैं, आप मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वाओ, कितनी खूबसूरत है बिल्कुल। ये कलर इस बिल्डिंग पे सिर्फ एक कलर की लाइट लगी, लेकिन कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। जो रोड्स हैं वो आप देखें तो आप कितनी भी आप क्या कहते हैं, कितनी सफाई और कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। हालांकि अभी ये लाइट नाइट का व्यू है, बिल्कुल नाइट का व्यू है। और ये देखिए ये वाकई पूरा मूवमेंट में कैमरे की वीडियो बनी है, कितनी खूबसूरत लग रही है। बहुत प्यारी कलरिंग है। हमारे जैसे फ्लैग्स वगैरह हम लोग लगाते हैं, हर जगह का अपना जो है वो हेरिटेज होता है, तो हम लोग फ्लैग्स लगाते हैं, उस तरह का कुछ सीन नजर नहीं आ रहा फिर हमें। लेकिन जो भी है डेकोरेशन वगैरह है ना बहुत जो ये ग्लोब चेक करें, ग्लोब चेक करें, आप देखिए आप नवीन भाई ग्लोब देखिए अभी आप अभी आप देखें कि यहाँ पर आपको कोई ऐसी चीज नहीं नजर आ रही कि जिसके ऊपर आपको मतलब कलरिंग कोई लाइटिंग कोई डिजाइनिंग वगैरह नजर ना आ रही, बिल्कुल बाकी। अच्छा हाँ, ये बहुत खास बात है, हर जो भी जगह है या जो भी व्यू पॉइंट है वो कलरफुल नजर आ रहा है, लाइट्स वहां पे जरूर लगी हुई है। अब देखें नाइट व्यू है लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है। मैं कहता हूँ मेरी ख्वाहिश है कि अगर जिंदगी में मौका मिले तो बांग्लादेश जरूर आऊंगा। ये तो भी हमें इन्विटेशन मिलेगा तो ही हम जा सकेंगे ना। ये देखें जैसे हमारा गेट की दिल करता है कि बार बार देखे बंदा इसको, क्यों? क्योंकि इसमें उन्होंने जो है कलरिंग वगैरह और जिस तरह वीडियो को पेश किया है दिखाया गया है बहुत प्यारा है, बहुत मेहनत होती है, कितनी मेहनत के बाद जो है ये वीडियो असेंबल की हुई है। और आप देखें तो जो गाड़ियां वगैरह हैं
उन पे भी आप देखें तो ऐसे लगता है जैसे गाड़ियों पे भी कोई डिजाइनिंग वगैरह हुई है, उन पे भी कोई कलरिंग हुई है। कलरिंग बिल्कुल बिल्कुल, बाकी मैं यही नोट कर रहा था। ये जो लाइटिंग है ना, इस लाइटिंग की वजह से जो है ना हर चीज नुमाया आपको नजर आ रही है, खूबसूरत नजर आ रही है सिर्फ लाइटिंग की वजह से। जी अच्छा, ये टोटली ऑन द ड्राइव ऑन द वे जो है वीडियो ये बनाई गई है। अच्छा, ये ऊपर से ब्रेक देखें आप कितना प्यारा लग रहा है, और उसको जो डिजाइन किया गया बहुत ज्यादा खुशी से, इससे पता ये चलता है कि ये लोग कितनी खुशी से मनाते हैं, कितने ये पैशनेट हैं अपनी इंडिपेंडेंस के बारे में और देश के बारे में, जिंदा दिल लोग हैं। और दूसरी बात ये कि जब हमारे पाकिस्तान में ये त्यौहार आता है ना आजादी का दिन, आप यकीन माने इतनी ज्यादा खुशी नहीं होती बाकी त्यौहार पर जितनी इस त्यौहार पर खुशी होती है। क्यों? क्योंकि एक दिली जज्बा होता है, ठीक है, और वही जज्बा हम इस वीडियो में देख रहे हैं, नजर आ रहा है। बांग्लादेश में हुब्बुल वतन इतने लोग हैं, ठीक है, जो मतलब के पैसे की परवाह नहीं करते, वो देखते हैं कि यार ये हमारे पाकिस्तान की चीज है, इसमें हमारे पाकिस्तान की खुशी है, ठीक है, बांग्लादेश की खुशी है। एक जज्बा होता है बंदे का, दिल चाहता है ये बंदा जो है वो इस तरह सेलिब्रेट करे। और आप देखें ये पब्लिक है, ठीक है, बड़ी प्यारी लग रही है, थोड़ी सी है डार्कनेस है, लेकिन ये कि जब लाइट वगैरह पड़ती है तो ये देखें आप, देखें पब्लिक है यहाँ पर और प्रॉपर इस तरह लग रहा है जैसे ये पाकिस्तानी है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उनका रहन सहन, उनका जो भी है या ड्रेसिंग वगैरह आप देखें तो उससे यही लगता है कि ये पाकिस्तानी। बिल्कुल, उनका भी हेरिटेज हम जैसा ही है बिल्कुल। तो बाकी बांग्लादेश से हमें बहुत प्यार, इंडिपेंडेंस के बाद 71 तक तो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही कंट्री था, 71 के बाद जो है वो बस ये नसीब की बातें हैं, ठीक है, हमारी आज भी ख्वाहिश है कि यार हम जो है काश बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है हम एक होते, लेकिन बहुत सारी नसीब की। बिल्कुल ऐसा ही है, फिर तो 14 अगस्त को सेलिब्रेशन हो रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये बिल्डिंग देखें आप, देख रहे हैं बिल्कुल कितनी खूबसूरत लग रही है। अच्छा मेहनत, आप मैं ये चीज देख रहा हूँ कितनी इन लोगों ने मेहनत की है, और इससे पता लगता है कि ये लोग हुब्बुल वतन हैं, ठीक है, और अप्रिशिएट करते हैं आप लोगों को, ठीक है, आप लोग भी ऐसे हैं, अप्रिशिएट करते हैं, इस वीडियो को लाइक कर, ये माशाल्लाह बहुत प्यारी वीडियो। अच्छा देखिए ये कितनी, अच्छा ओवरऑल अगर आप देखें तो कितनी सिंपल सी डेकोरेशन हुई है लेकिन कितनी खूबसूरत लग रही है बिल्डिंग। तो आप लोगों ने जो है वीडियो में लाइक जरूर करनी है और हम लोगों को कमेंट्स में बताना है कि हम लोग नेक्स्ट इस वीडियो पे हम लोग रिएक्ट करें, तो ताकि देखें इससे और कुछ भी नहीं है, हमारी हौसला अफजाई होगी, ठीक है, आप एक लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, नीचे कमेंट करेंगे, उस कमेंट से हमें ज्यादा खुशी होगी कि आप हमारी वीडियो को देखने के बाद आप रिव्यूज क्या रखते हैं, ठीक है। तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह मजीद हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस उन पे रिएक्शन जो है ना वो पेश करेंगे। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो नेक्स्ट टाइम फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।